बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो में जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं, आज की वीडियो में आपके लिए जो गाड़ी लेकर आया हूँ वो है होंडा सिविक VTI ओरियल 2007 मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग देखेंगे होंडा सिविक VTI ओरियल 2007 मॉडल, जो कि बहुत ही कम रेट पर आप ले सकते हैं। गाड़ी की हालत बहुत ही अच्छी है और एक फैमिली के यूज़ में गाड़ी है और बहुत संभाल कर ये गाड़ी यूज़ की गई है। अगर बात करें गाड़ी के फ्यूल की, गाड़ी पेट्रोल पर चल रही है और बहुत ही कम पैसों में आप ये गाड़ी ख़रीद सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको गाड़ी का फाइनल रेट, गाड़ी की डिमांड और मालिक का रबता नंबर मिल सके। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको रोज़ाना आने वाली सस्ती गाड़ी के बारे में पता चलता रहे। तो जो दोस्तों चलते हैं गाड़ी के मज़ीद तफसीलात की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें गाड़ी की फ़ीचर्स की, तो गाड़ी में ईच एंड एवरी थिंग इज़ वर्किंग, हर चीज़ काम कर रही है। जैसे पावर मिरर है, पावर विंडोज़ है, रियर कैमरा है, एयर कंडीशन है, साउंड सिस्टम इसमें अच्छे वाला लगा गया है, पावर लॉक है, पावर स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग स्विच लगा हुआ है, फ्रंट स्पीकर इसमें जेन्युइन लगा हुआ है, एयरबैग्स भी लगे हुए हैं और सनरूफ की गाड़ी आपको इस हालत में मिल जाएगी इस फीचर्स के साथ। मॉडल हम आपको बता चुके हैं, 2007 मॉडल है। कागजात इसके जेन्युइन हैं, हर चीज़ ओके है, सिर्फ इसकी कॉपी एक डुप्लीकेट है, लेकिन ये मालिक के ख़ुद के नाम पर ये गाड़ी मौजूद है, ऑनर के नाम पर ये गाड़ी मौजूद है। गाड़ी देखने में बिल्कुल ओके है, जस्ट यू कैन बाय एंड ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें गाड़ी की मज़ीद डिटेल की, तो इस वक्त ये गाड़ी रावलपिंडी में मौजूद है। अंदर से गाड़ी बहुत साफ़ है, सीटें इसकी नई लगाई हुई हैं, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। और हम बात करें गाड़ी के मालिक से रब्ता करने की, दोस्तों गाड़ी के मालिक का नंबर हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस लिंक दे दिया है, अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप आसानी मालिक से रब्ता कर सकेंगे और बेझिझक होकर मालिक से रेट में कभी बेची भी करवा सकते हैं। जैसे मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ कि गाड़ी लेने से पहले अपने साथ किसी कार एक्सपर्ट को लेके जाएँ, ताकि आप गाड़ी लेने से पहले अपने तौर पर तसल्ली करके गाड़ी ले सकें और मालिक से कमी बेशी करवा सकें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मालिक से 14 लाख रुपये डिमांड कर रहा है और इस वक्त रावलपिंडी गुलिस्तान कॉलोनी में मौजूद है। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नई डिटेल के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा आने के बाद।